नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स। इस समय बंगाल में चुनाव का माहौल है और सभी पार्टियों की रैलियां वहां पे हो रही है। बीजेपी टीएमसी खूब रैलियां कर रही है और ट्रक भर भर के लोग इन रैलियों में आ रहे हैं। देश का राजा जनता को उल्लू बना रहा है और जनता उल्लू बन रही है। आज देश में रोजाना 2.5 लाख के करीब कोरोना केसेस मिल रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं और हमारे नेता लोग रैलियों में मस्त है। इन रैलियों में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना कोई मास्क पहन रहा। यही मोदी जी थे जो कहते थे 2 गज दूरी मास्क ही जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन खुद हमारे प्रधानमंत्री बिना मास्क पहने रैलियों को संबोधित करते हैं और इनको कोई कुछ भी नहीं कहता, ना मीडिया वाले, ना कोई पत्रकार और ना कोई डिबेट भी होती है। इसके विपरीत कोई आम आदमी बिना मास्क पहने सड़क पर दिख जाए तो पुलिस वाले उसको डंडा मार मार के उसका पिछवाड़ा सुझा दे। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं होता दोस्तों। बात करें नॉर्वे देश की तो वहाँ की पुलिस ने अपने प्रधानमंत्री पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने के जुर्म में उन पर $2,000 का जुर्माना लगाया है। इसे कहते हैं एक्चुअल रूल ऑफ लॉ। लेकिन हमारे देश में इन नेताओं ने कानून व्यवस्था का मजाक बना रखा है। तो जरा सोचिए दोस्तों, हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।